गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर्स क्रिएटिविटी। तो आज हम करने वाले हैं ईटिंग ओनली वन कलर फॉर 24 आवर चैलेंज। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, तो हम कलर्स डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं करती हूँ ब्राउन और मैं पिंक। तो चलो जल्दी से, ब्रेकफास्ट का टाइम वैसे तो हो ही गया है, तो हमें 8 बज गए हैं और हमें बहुत भूख लग रही है, तो जल्दी से इंतजाम करते हैं हमारे ब्रेकफास्ट का। और वैसे भी आज मैंने ब्राउन कलर पहना है और मैंने पिंक कलर पहना है। खाना खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास है ये अपने चॉकलेटी चोकोस और मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स स्ट्रॉबेरी वाले। सो अभी डालना शुरू करते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। तो मेरा हो गया है ये पिंक पेन। मेरा दूध भी चॉकलेटी हो रहा है इसमें। ये बहुत यम्मी है। मेरा भी पिंक पेन। तो हमारा ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा बना। गाइस आप देख सकते थे लंच का वक्त हो गया और हमारा खाना आ गया है। मेरा है ब्राउन राइस और ये कितने गरम और कितने यम्मी लग रहे हैं। मेरे है पिंक पास्ता मैक्रोनी। कितना सुंदर रंग है ये पिंक रंग, बेबी पिंक। मेरे को पिंक पता चल गया कि पिंक सबसे अच्छा कलर रहता है। कितना यम्मी। ब्राउन भी अच्छा है क्योंकि इसमें सोया सॉस का टेस्ट आया, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है सोया सॉस का टेस्ट। और ये मेरे को ब्राउन चावल भी बहुत पसंद है। तो चलो शुरू करते हैं खाना। स्पाइसी एंड नाइस। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसे मम्मी ने हम बीट रूट डाल के बनाया था। पता नहीं उसका कैसा टेस्ट हो पर मेरा तो अच्छा है। मुझे भी नहीं पता कि उसका कैसा टेस्ट होगा पर मेरे को तो पता है मेरा तो बहुत अच्छा है। आज मैं चैलेंज की वजह से नहीं खा पाई ये पास्ता। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये पिंक पिंक से, क्रीमी से। मेरा मन तो कर रहा है, पता नहीं कैसा टेस्ट हुआ, क्या पता मीठा हो ऐसा हो। इसका तो एकदम व्हाइट सॉस पास्ता जैसा टेस्ट है, क्रीमी है और बिल्कुल भी बीटरूट का फ्लेवर ही नहीं आ रहा, बस कलर कलर है। तो ना मैं खाना खाने इसके खाने के बाद मैं थोड़ा कुछ मीठा खाऊंगी क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा अगर वो हो जाएगा स्पाइसी सा। और हम हमेशा खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। तो मेरे पास है स्ट्रॉबेरी वेफल, तो मैं 2-3 स्ट्रॉबेरी वेफल खाऊंगी। और मेरे पास है चॉकलेट वेफल, वरना अगर हम वो नहीं करते क्या कहते हैं चैलेंज नहीं होता तो फिर हम आम वगैरह कुछ खाते हैं यम्मी सा, मैंगो स्ट्रॉबेरी। पर ब्राउन में कोई फ्रूट ही नहीं है और चीकू था पर वो मिल ही नहीं रहा हमें, तो इसलिए। तो थोड़ी देर बाद अगर शाम को होगा ना तो फिर मैं कुछ पीऊंगी, जैसे कि नॉर्मल तो हम नींबू पानी पीते हैं पर मैं आइस टी पीऊंगी क्योंकि वो ब्राउन होती है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने अपना खाना खा लिया, बहुत यम्मी था। तो मेरा मुंह बहुत स्पाइसी हो गया है, तो क्रीमी। तो अभी हम खाएंगे अपने वेफल। तो आप देख सकते हैं मेरा एक बड़ा सा पैकेट था स्ट्रॉबेरी वेफल का, तो इसमें 2 थे, अभी तो मैं एक ही खाऊंगी। तो ये है मेरा चॉकलेट वेफल, इसमें चॉकलेट है। इसको कितना बड़ा है। खाना शुरू करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, ये कैसा टेस्ट रहेगा। नॉर्मल चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी वाले मैंने 1-2 दिनों से नहीं खाए हैं, हफ्तों से, तो ये बहुत ही हमें लग रहे हैं। इतना कोई वो नहीं है अलग पर ठीक ही है। इट्स चैलेंज। ओह नो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं अभी 6 बज चुके हैं लगभग और हमें बहुत भूख लग रही थी और हमारी ड्रिंक्स आ गई हैं। हाँ, तो मेरी है ये रोज सिरप के साथ वाटर और मेरी है ये आइस टी।
तो ये ब्राउन है और इसका है पिंक। तो अभी हम पीते हैं। सो रिफ्रेशिंग, मजा आ गया पी के। गर्मियों में अगर आइस टी मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, वैसे मेरा तो मन था कि मैं आइस टी पीऊँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम महीनों के बाद आइस टी पीने जा रहे थे और मैं नहीं, क्योंकि सर्दियों में तो नहीं पीते। हाँ, तो बस ये तो ऐसे ही है, रोज का लोग पीते हैं, वरना हम कभी कभार हम, और वरना आज तो हमने ये पिया है, वरना हमेशा हम नींबू पानी पीते हैं जो कि वाइट होता है, पर आज हमने रंग बिरंगे पिए थे तो इसलिए रंग बिरंगा। चीयर्स। सो गाइस, आप जैसे हमें देख सकते हैं, हमें बहुत भूख लग रही थी, तो और तो अभी हमने अपना दूध बनाया। इसमें मैंने अपने दूध में हर्शीज स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है, और मैं अभी अपना हर्शीज सिरप डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ इसको सजाया अभी भी ये दूध। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना पिंक है, बेबी पिंक रंग, और ये कितना सुंदर है। आप देख सकते हैं इसका डिजाइन बिल्कुल सुंदर है। तो इसे टेस्ट करते हैं। बहुत मीठा है, बहुत यम्मी है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये डिनर का वक्त हो चुका है, तो आप देख सकते हैं मेरा ये डिनर, और इसमें है मेरी बीटरूट और मायोनीज, इसे मैंने मिक्स करके पिंक बना लिया है, और ये मेरी बीटरूट की रोटी जिन्हें मैं थोड़ा स्क्वायर में काटूंगी, छोटे छोटे स्क्वायर में। तो काटना शुरू करते हैं। तो मैंने बस काट दिया। तो गाइस, मेरा भी हो गया है, ये चॉकलेटी है मेरा ये सैंडविच, इसके अंदर मैंने चॉकलेट डाली है, हर्शीज, यस, और ये ब्राउन ब्रेड है, तो ये ब्राउन है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरी ये 11 हो चुकी है, तो बस मैं इन्हें खाऊंगी। मेरे को कोई टेस्ट नहीं आया, बस नॉर्मल मेयोनीज और एक सिंपल रोटी, बीटरूट का टेस्ट ही नहीं आया, बस कलर है दिखावा। और मेरा जो है ये सैंडविच, चॉकलेट सैंडविच, ये बहुत क्रिस्पी और मीठा है, तो यम्मी है। मेरा तो उसे खाने का मन कर रहा है, मेरा था मेरा तो उसको भी खाने का मन कर रहा है, पर चैलेंज है, क्या करें। सो गाइस, हमारा चैलेंज यहीं पे खत्म होता है, और ये है मेरा टेडी, इसका फेवरेट टेडी, ये इसके साथ ही रहती है और ये इसको साइकिल भी चलवाती है इससे, और इसका नाम है पिंकी, ये पिंक है, मैं भी पिंकी। तो हमारा चैलेंज इधर ही खत्म होता है डिनर पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।